फ्रेंड नमस्कार, मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं स्नेहलता दुबे आपको बताऊंगी मिस्सी रोटी बनाना। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ बेसन 2 बड़े चम्मच, आधे चम्मच मैं यूज कर रही हूँ आटा, और इसमें मैंने डाला है मसाला 1 चम्मच, नमक, जीरा, कटी हुई धनिया, मसाला, सारी चीजें। आप चाहें तो इसमें ऑयल यूज कर सकते हैं या घी, वो आपकी इच्छा अनुसार है। जैसे मैंने 100 ग्राम आटा यूज किया है तो 50 ग्राम का रेशियो, आप 150 ग्राम यूज किया है तो हमने 75 ग्राम डाल दिया है अपना आटा सिंपल, या उससे कम डाल दीजिए। आप अपनी इच्छा अनुसार से चेंज भी कर सकते हैं। और अब इस आटे को हम फटाफट गूंथ के मिला के अब 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। मैंने सब चीजें मिक्स कर दी, अब 10-15 मिनट रेस्ट हो जाएगा, उसके बाद बनाऊंगी। हमने अपने आटे को मसल मसल कर तैयार कर दिया है। अब हम इसकी स्टार्ट करेंगे लोई बनाना, और लोई बनाकर हम बेलेंगे इसे। ये हमारी मसालेदार रोटी है, और इतना बड़ा मैंने चकला ले लिया है। स्टार्ट करूंगी बेलना, हल्के हाथों से इसे धीमे धीमे हम बेलेंगे आटे लगाते हुए। हम अच्छी तरह अपनी रोटी पतली बेल लेंगे, और उसके बाद अपनी रोटी को मैं तवे पे डालूंगी। तवा हमारा गर्म हो चुका है, मैं अपनी रोटी को तवे पे डाल दे रही हूँ। हमारी रोटी पीछे तरफ से सिक रही है। चलिए हम आपको ये गैस पे दिखा दें, इस तरह हम सेकेंगे। दूसरा तरीका, दूसरी रोटी हम डाल रहे हैं, उसे हम दिखाएंगे आपको तवे पे सेक के। हमारी रोटी का पिछला हिस्सा सिक चुका है, मैं अब इसे पलट दूंगी। पलट कर मैं इस पे रोटी लगा के ऐसे ऐसे आप इसे सेक लीजिए। मसालेदार मिस्सी रोटी तैयार है। मैं इसे फटाफट इसका अच्छे से घी लगा दे रही हूँ, और घी लगाने के बाद हम इसे सर्व कर देंगे। आप इसे पराठे के रूप में भी बना सकते हैं। घी लगा सकते हैं आप, मक्खन लगा सकते हैं। हमने अच्छी तरह घी लगा दी है, अब मैं इसे सर्व करूंगी।
मैंने अपनी मसालेदार मिस्री रोटी सर्व कर दी है। मैंने इस पे घी लगा दिया है। ये बहुत ही हेल्दी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप बच्चों की टिफिन में भी उठ सकते हैं। इसमें से रोटी में आप बथुआ, पालक वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने कोरिएंडर मिक्स किया था और मसाले वगैरह डाल के। ये हमारी बेसन की रोटी है और इसमें मैंने थोड़ा सा आटा भी यूज़ किया था। अगर आपको हमारे मिस्सी रोटी बनाने की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।